Bunyad is actually, as we see it, and as the title suggests, means foundation of a healthy child. Colostrum was not considered to be milk. In fact, 55% of Bihar's children were suffering from malnutrition. Although people were aware about the whole concept of feeding their children, however, there were many barriers towards it. And so therefore, we decided that we are going to do a formative research which will help us in analyzing what are the current practices and the trends that are related to IYCF, especially in our target areas, especially in places like Muzaffarpur, Samastipur and Sitamari. पहले वाला बाबू में पानी नहीं देते थे, गर्म पानी करके मत चटा दे, उसके बाद दूध पिलाते थे। वो सब लड़का झोर 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 करने लगा तो हम दे हाथ पतला दुबला हो गया। रात में 8 बजे ही जन्म लिया। सुबह मेरे लोग में मुस्लिम में होता है कि अजान पड़ता है, तो 6 बजे अजान पड़ गया। 5 बजे के बाद इसको 6 बजे हम इसको दूध दे दिए, खतिया हो गया था। हर घर में जाकर पहले सर्वे किए, पूरा टोला बाय टोला के 7 वार्ड से लेकर सर हम लोग 14 वार्ड में काम किए। फिर घर घर में जाकर महिला से पूछे कि आप गर्भवती महिला हैं कि नहीं, आपके घर में बच्चा छोटा जन्म लिया है कि नहीं। तो जैसे जैसे उम्र के हिसाब से बच्चा मिले, उसे उम्र के हिसाब से खान पान व्यवहार बदलाव के बारे में जानकारी दिए। केवल स्तन 5-6 महीने तक करना है, 2 घंटे के अंतराल में बच्चा को जगाकर उठाकर उसको माँ का दूध के अलावा एक बूंद पानी भी ना दें। जब इसका जन्म हुआ तो उसके बाद कुछ लोग बताए कि पंडित जी देखेंगे ना, वो तो बताएंगे जो किस समय दूध पिलाया जाएगा। तो हम कहे नहीं, ऐसा बात नहीं है। सो मुझे बताया गया है कि इस बच्चा को जन्म लेने के बाद जो है सो उसको साफ़ सुथरा करके अपना दूध पिलाने के लिए जबरन ज़बरदस्ती करके मुझे दे दीजिए बच्चे को, मैंने दूध पिलाएंगे। तो मैंने दूध पिलाया इसको, फिर मुझे भी राहत मिली और बच्चा भी ठीक रहा। घर में बच्चा होने के बाद भी जो ये प्रथा था, इस प्रथा को पूरी तरह से ये तोड़ के बच्चे को ना लगाए, दूध भी पिलाए, जो किस कोई भी नहीं करता है जल्दी। ऐसे पहले वाला बच्चा थे ना जब, तो उसको हम पहले पानी दे दिए थे ऊपर का, ठीक है, दूध दे दिए थे, तो उसको तबीयत उबियत बहुत ज़्यादा खराब होते थे। और इसमें है जो इसको हम 6 महीना को बाद दिए हैं, तो इसको सेहत अच्छा है, तबीयत बहुत कम खराब होते हैं। वह दीदी समझाए थे पूरा बात जैसे ऐसे करना। पहले तो इतना जानकारी की वजह से हम लोग भी, ये बच्चा जन्म लिया जाए बकरी के दूध दे दो, मत दे दो, पानी दे दो, बाहर के चीज़ से प्रदूषण के ख्याल से भी मैंने शरीर के लिए स्वास्थ्य के लिए गड़बड़ी है। और डायरेक्शन जो बुनियाद के अंदर हम लोग दिया गया है कि भाई 6 महीना तक ये देना है, तो इस आधार से हम लोग भी समझाते कि 6 महीना दूध दो माँ, सिर्फ माँ के दूध में, कि माँ के दूध में तो पानी का अंश ज़्यादा रहता है, तो पानी की जरूरी नहीं पड़ता है। बच्चा पैदा हुआ दूध नहीं पिएगा, अगर देहात में अगर कोई मौलाना नहीं हो, कोई अदान देने वाला नहीं, तो बच्चा मर जाएगा ना। इसलिए दूध पिलाना पहले ज़रूरी है। जब से आपका ये कार्यक्रम शुरू हुआ, हम लोग को जानकारी हुई, माशाल्लाह बहुत से जगह लोगों को समझदारी आ गई और देहात हुआ सब जगह ये बच्चे के लोग के दूध पिलाना शुरू कर दिए। आगा खां फाउंडेशन के द्वारा जो कार्य किया गया है वो काफ़ी सराहनीय है और उसका असर आज के डेट में फील्ड में भी देखने को मिलेगा। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जितनी भी होती हैं, 100% बच्चे का स्तनपान विद इन हाफ एन आवर हो जा रहा है, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। This is something which gets reflected when we look at our results. USP of the program is strategy of repeated messages and providing them with messages specific to the life stage that they are at. Soja munna soja.